हटिया रेलवे स्टेशन आरपीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 बोतल अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरपीएफ अशोक कुमार कमांडेंट से बातचीत की हमारे संवाददाता मुर्शीद आलम ने। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है। हालांकि रेलवे जीआरपीएफ के तरफ से लगातार जो है अवैध शराब खरीद बिक्री करने वाले को नकेल कसा जा रहा है। हमारे साथ कमांडेंट साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर लगातार रेलवे प्रभारी के तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो अवैध तरह का शराब ले जाने वाले लोगों के ऊपर गिरफ्तारी भी हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। ऑपरेशन सतर्क के तहत हमारे एसी इंचार्ज श्री पवन कुमार के निर्देश पर रांची डिवीजन में हम लोग हर जगह पर स्पेशल चेकिंग फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा, इसके अलावा पोस्ट इंचार्ज के द्वारा हम लोग ज्वाइंट अभियान चला रहे हैं, जिसमें खास करके बिहार की तरफ जो ट्रेनें जाती है उसमें अवैध तरीके से शराब ले जाई जाती है। चूँकि वहाँ पर अवैध शराब इसलिए ले जाती है कि वहाँ पर शराब की बिक्री बंद है, इसलिए वो यहाँ से वो शराब को अवैध तरीके से ले जाकर और वहाँ पर उचित कीमत पर बेचते हैं। इसी क्रम में कल फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा और रांची पोस्ट के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें से 21 बोतल ब्लेंडर फ्राइड शराब जो है वो पकड़ी गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22,000 रुपये थी। इस शराब को यहाँ से रांची से आप मुजफ्फरपुर बिहार के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें एक आदमी श्री उज्जवल कुमार नाम, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष थी, उसको अरेस्ट किया गया है और पूछने पर उसने बताया कि इसको हम यहाँ से ले जाकर और मुजफ्फरपुर में इसको उचित कीमत पर बेचते, इसलिए मैं इसको अवैध तरीके से यहाँ से लेके। सर, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि रांची रेलवे जो आरपीएफ है उसके तरफ से लगातार देखा जा रहा है कि कार्रवाई लगातार देखने को मिल रहा है। कई बार आरपीएफ को थाना के तरफ से कार्रवाई भी दिया, अपराधी को भी पकड़ाया गया, न्यायालय के हिरासत में भेज दिया गया, उसके बावजूद भी अपराधी लोग जो है दारू यहाँ से ले जाने नहीं छोड़ रहे। चूँकि जो व्यक्ति जो है यहाँ से बहुत वैसे तबके जिनको यहाँ के वनस्पत वहाँ पर चूँकि शराब की बिक्री बंद है, इसलिए लगातार वो लोग झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश के रास्ते वो बिहार में शराब ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम लोग हर जगह मुस्तैद रहते हैं और आए दिन इस तरह की पकड़ने की घटनाएं होती है। इसके बावजूद भी लोग अगर ले जाते हैं तो हम लोग मुस्तैद रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन से ये लोग लेकर न जा सके। आगे की क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर? आगे हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग उत्पाद शुल्क रांची को हम लोग इसको सुपुर्द कर देते हैं, इसकी फर्दर कार्रवाई वो उत्पाद शुल्क के द्वारा की जाती है। अब आरपीएफ के ओर से लगातार हालांकि जो अवैध तरह से शराब ले जाने वाले लोगों को नकेल कसा जा रहा है, अब देखना होगा कि और जो अवैध तरह का जो शराब लेने वाले लोगों को ऊपर कितना नकेल और कसी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी दीपक के साथ मुर्शीद टीवी 45 रांची।